बाड़ाहाट थाना अंतर्गत केलाबाड़ी बस्ती में जंगली हाथियों के हमले से किसानों के फसल काफी नुकसान हुए हैं। यह विदित हो कि बृहस्पतिवार सुबह जंगली हाथियों के हमले से किसानों एवं बस्ती इलाकों के लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ा। वहीं रिहायशी इलाकों में कई घरों को आंशिक रूप से जंगली हाथियों द्वारा नुकसान भी पहुंचाया गया। रिहायशी इलाके के आसपास सुपारी के बागान को जंगली हाथियों ने तहस नहस कर दिया। इस विषय को लेकर स्थानीय समाज सेवी श्याम छेत्री ने कहा कि जब से वैश्विक कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन हुआ है, तब से सभी लोग आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। वहीं जंगली हाथियों द्वारा फसल एवं सुपारी के बागानों के नुकसान से किसानों के ऊपर दोहरी आर्थिक मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा अगर किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया तो किसानों की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाएगी। उन्होंने वन विभाग एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि नुकसान का भरपाई सरकार अगर किसानों को करवा दे तो किसान आर्थिक क्षतिपूर्ति से राहत महसूस करेंगे। इस बाबत उन्होंने इस विभाग को ज्ञापन देने की भी बात कही है। आंग्रा भाषावन हृदयपुल लाल स्कूल अंतर्गत कल रात 20 से 30 हाथियों का दल गांव में घुसकर जो फसल नुकसान पहुंचाया है, बलराम छेत्री उनका फसल को जो नुकसान पहुंचाया है उसी विषय में स्थानीय श्याम छेत्री कुछ कहना चाह रहे हैं। जो राति जो डाइना नदी को जंगल बड़ा हाथी को झोड़ 20-25 आको थे, ते मध्य राति पानी हावा को कारण लाइन को व्यवस्था भी थे स्थानीय कृष्ण छेत्री र बलराम छेत्री को मकई को खेती र सुपारी बगान तस नस पारदे रामी स्थानीय बासिंदा को एउटा मांग छ कि फरेस्ट डिपार्टमेंट र रेन्जर बिंडागोड़ी जनाउन चाहन्छु कि यो खेती को मुआवजा दिनुपर्यो र हामीले बार बार जनाउँदा कारण पनि न लाइट दिन्छन् एउटा डिपार्टमेन्टबाट न के एउटा प्रकारले राति पेट्रोलिङ गर्छन् कुनै पनि व्यवस्था गरिँदैन र स्थानीय किसानको साह्रो दुःखको घडीमा हामीहरूले एउटा हेल्प गरिदिने भनेर सरकारसँग अनुरोध गर्दैछौँ।